पहले की तुलना में बिहार पुलिस ने खुद को काफी मजबूत कर लिया है। पुलिस कर्मी ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहाएंगे उतना ही ड्यूटी के समय खून बहने की संभावना कम होगी, इसी तर्ज पर काम किया जा रहा है। जब तक पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें विधि व्यवस्था के काम में अब नहीं लगाया जाएगा। आइए जानते हैं डीजी ट्रेनिंग आलोक राज से किस तरह की ट्रेनिंग देकर जवानों को तैयार किया जा रहा है। बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स, पीटी, यूएससी जैसे चीजों को समावेशित किया गया है। फील्ड क्राफ्ट की नॉलेज बढ़ाने के लिए मैप रीडिंग, जीपीएस रीडिंग के को शामिल किया गया है। अत्याधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि पुलिसकर्मी ये किसी भी हथियार को चला सके। इसके अतिरिक्त इंडोर में साइबर क्राइम, लिंग संवेदीकरण, मानवाधिकार जैसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां बिहार पुलिस की महिला कमांडो ने सीआरपीएफ कैंप में ट्रेनिंग ली। ट्रेंड कर्मी हर मुसीबत का सामना समझदारी से और डटकर करते हैं, लेकिन आधी अधूरी ट्रेनिंग के बाद फील्ड पर उतरे पुलिस कर्मी को कई बार असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। साथ ही ट्रेनिंग के बीच में विधि व्यवस्था का काम देने से इनकी ट्रेनिंग की अवधि भी बढ़ जाती है। अब लेकिन ये व्यवस्था हो गई है कि प्रशिक्षु जब तक अपनी ट्रेनिंग पूर्ण नहीं कर लेते हैं, बेसिक ट्रेनिंग जब तक वो कम्प्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें हम ट्रेनिंग से नहीं कहीं भेजते हैं, जिसके कारण प्रशिक्षण बाधित नहीं हो रहा है और प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारू ढंग से चल रहा है। अब बिहार में पुलिस कर्मियों की कमी नहीं है। हर साल 10,000 पुलिस कर्मियों की बहाली के कारण भी प्रशिक्षण के बाद फील्ड में उतारने के फैसले को अमली जामा पहनाया जा सका है। बता दें कि बिहार पुलिस में सिपाही का प्रशिक्षण 270 दिनों का होता है। इस दौरान इन्हें कठिन इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान पुलिस को तराशा जाता है। जाहिर है जब ये ट्रेंड कर्मी फील्ड में उतरेंगे तो बेहतर पुलिसकर्मी साबित होंगे। ईटीवी भारत के लिए पटना से राहुल सिंह की रिपोर्ट।